हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिंदी की नोटबुक कैसे बनाते हैं, जैसा कि आपको यहां सामने पेज पे दिख रही है। ठीक है, बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक नया पेज हमने ओपन कर लिया। पेज का साइज मैं थोड़ा छोटा रख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि पेज पर हो क्या रहा है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमको जाना है ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब में। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक करिए। नीचे आपको टेबल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और यहां से इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, इंसर्ट टेबल का छोटा सा विंडो यहां पर ओपन हो गया। अब यहां पर हमें कॉलम वन रखना है और रो रखने हैं 48। ठीक है, वन कॉलम और रो 48। उसके बाद यहां से ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए, टेबल बन करके आ गई। ठीक है, अब टेबल के बीच में कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। देखिए, टेबल के बीच में कहीं पर भी क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको दो नए टैब दिखाई पड़ेंगे, टेबल डिजाइन और लेआउट। ठीक है, तो टेबल डिजाइन पे क्लिक करिए और यहाँ से बॉर्डर पेंटर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप अपनी पेन का कलर सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम हिंदी की नोटबुक बना रहे थे, हमने रेड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बॉर्डर की विड्थ अगर आप चाहें तो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, मतलब कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया यहाँ से। उसके बाद इसका जो पहली वाली लाइन है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे इसका जो रंग है वो कलर जो चेंज हो गया, यानी कि रेड कलर में आ गई। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। उसके बाद बॉर्डर पेंटर पर क्लिक कर दीजिए तो पेन आपकी हट जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को पकड़िए। ठीक है, ये जो मतलब लेफ्ट साइड का जो बॉर्डर दिख रहा है, ये देखिए, इस लाइन को पकड़िए और इसको इधर तरफ खिसका दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको पकड़िए और इसको इधर की तरफ खिसका दीजिए। उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब में। ये रहा इंसर्ट टैब, फिर से क्लिक कर दीजिए और यहाँ से शेप्स में चलिए और यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सिंपल लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने लाइन पे क्लिक किया तो ये देखिए, प्लस का साइन बन करके आ गया। अब एक सिंपल लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ तक। ये देखिए, हमने एक सीधी लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर ली। उसके बाद इसको सेलेक्ट ही रहने दीजिएगा और यहाँ से जा करके शेप आउट लाइन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, और यहाँ से इसका जो रंग है वो रेड कर दीजिएगा। तो ये देखिए, हमने रंग रेड कर दिया, कलर जो है कलर इसका चेंज हो गया और आप देखेंगे कि आपकी हिंदी की नोटबुक बन गई। देखिए।